वीडियो ब्रेकिंग में पहली खबर की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के गर्जिया मंदिर में भीषण आग लग गई। नैनीताल के गर्जिया मंदिर परिसर में आग लग गई। मंदिर परिसर की दुकानें जलकर राख हो गई हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीषण आग लगी इस मंदिर में, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, रूस के सोमेलेंस में एक पुल तबाह हुआ। रेलवे ट्रैक पर गिरा पुल का मलबा, रूस से बेलारूस के बीच आवाजाही पर ब्रेक, हादसे में एक शख्स की मौत। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, दक्षिण मेक्सिको में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। सरकारी इमारत और गाड़ियों में आगजनी की गई। 2014 से लापता छात्रों पर सरकार से मांगा जवाब, कई गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, गाजा पट्टी के खान यूनिस के घरों में लौट रहे हैं फिलिस्तीनी। खान यूनिस से सेना वापस बुलाने का इजरायली ऐलान। इजरायली बमबारी से खान यूनिस में भारी तबाही। खान यूनिस लौटे लोगों को घर की जगह मिला मलबे का ढेर। तो वापस जो लोग लौटे हैं खान यूनिस में, उनके घरों का कोई नामो निशान नहीं है, वहां पर सिर्फ मलबे का अंबार है। इसराइल के सेना वापसी के ऐलान के बाद से लोग घरों को लौटने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, इटली की सड़कों पर किसान उतरे मेड इन इटली उत्पादों के समर्थन में। रैली, पीले कपड़े पहनकर किसानों ने यहां प्रदर्शन किया। ये देखिए सड़कों पर काफी संख्या में किसान उतरे, पीले कपड़े पहनकर के उतरे थे प्रदर्शन करने के लिए। इटली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मेड इन इटली उत्पादों के समर्थन में ये रैली किसानों की ओर से की जा रही है। छठी वीडियो ब्रेकिंग, रूस में बाढ़ से भारी तबाही। बाढ़ की चपेट में कई शहर आए। अगले दो दिनों में और बिगड़ेंगे हालात। यूराल नदी का जलस्तर और बढ़ने से खतरा। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, ये वीडियो देखिए, हैती पुलिस ने कहा जा रहा है कि कार्रवाई की है, मुठभेड़ हुई है और हाईजैक जहाज को बरामद किया है। हैती पुलिस ने चावल से लदा मालवाहक जहाज बरामद किया है। बदमाशों के साथ हैती पुलिस की 5 घंटे तक मुठभेड़ भी चली। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, देखिए इसराइल के सेडरॉट में विरोध प्रदर्शन, हमास बंधकों की रिहाई की मांग। अक्टूबर से हमास की गिरफ्त में है कई बंधक। अगली वीडियो ब्रेकिंग, रूसी सैनिक काफले पर यूक्रेनी हमला। हमले में रूसी T-72B3 टैंक तबाह। हमले में कई रूसी जवानों की मौत का दावा। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग, ओडिशा में यूक्रेनी फोर्स का बड़ा हमला। रूसी ओरलान 10 पर किया हमला, S-125 एयर डिफेंस सिस्टम से हमला। अगली वीडियो ब्रेकिंग, इसराइल बॉर्डर पुलिस का विध्वंसक हमला। हमास लड़ाकों की कार को विस्फोटक से उड़ाया। इसराइल पर फायरिंग में शामिल थे सभी लड़ाके। बूम।
12वीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस ने बेलगोरोड पर हमले का लिया बदला। रूसी एमएलआरएस हमले में कई यूक्रेनी सैन्य अड्डे तबाह। यूक्रेन का बेलगोरोड पर हमला करने वाला पोस्ट। अगली वीडियो ब्रेकिंग है, फुल स्केल जंग की तैयारी में इसराइल। इसराइल की नॉर्दर्न कमांड युद्ध के लिए तैयार है। लेबनान से लगे वॉर जोन में ताकत दिखा रही है नॉर्दर्न कमांड। ईरान और हिजबुल्ला के खिलाफ विध्वंसक हमले के लिए रेडी है। नियमित सैनिकों के साथ रिजर्व सैनिक भी बुलाए गए। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग, यरूशलम में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ रैली, बंधकों को जल्द छुड़ाने के लिए प्रदर्शन। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा सैन्य जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अमेरिका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च। व्हीकल्स पिचिंग डाउन रेंज, वन इग्निशन, इंजन्स फुल पावर एंड लिफ्ट ऑफ ऑफ बैंडवैगन 1 एंड एडीडी 425, गो फाल्कन गो स्पेसएक्स। 16वीं वीडियो ब्रेकिंग, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ब्रिज पर गुंडागर्दी। ब्रिज के ऊपर कार से स्टंट, 20 मिनट तक रास्ते को किया बंद। अगली वीडियो ब्रेकिंग, रूसी सैनिकों का इरकुत्स्क में बड़ा युद्धाभ्यास, और इसका वीडियो भी दिखा रहे हैं आपको। 3,000 से ज्यादा सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया है। ड्रोन से डमी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, पंजाब के डेरा बस्सी में लगी आग। केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। तीसवीं वीडियो ब्रेकिंग देखिए, लखनऊ में चलती बस में अचानक आग से सवारियों में हड़कंप मच गया। धू धू कर जली ये बस, इसका वीडियो आप देख रहे हैं। यात्रियों और ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग, बंगाल के हावड़ा की जूट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में जला लाखों का सामान। आग लगने की वजह का पता नहीं चला। अगली वीडियो ब्रेकिंग है, यूरोप से अफ्रीका तक 10,000 मील की दौड़। ब्रिटेन के धावक ने 352 दिनों में अपनी दौड़ पूरी की है। 16 देशों से होते हुए 10,000 मील की दौड़ लगाई।